शेख रशीद ने अपने मुखालिफीन को खबरदार करते हतमी में फैसला कर लिया। वफाक और चारों सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात एक ही रोज होंगे। तारीख के बाद सियासी जमातों ने एक दूसरे से इत्तेहाद बनाने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब, कराची और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ अलायंस बनाने के लिए तगोदो कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी इलेक्शन कम्पेन शुरू कर दी है, जबकि तहरीक इंसाफ के जराये के मुताबिक पार्टी ने वकला को भी टिकट देने का फैसला किया है। जहां सियासी जमातें सरगर्म अमल हैं, वहीं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी किसी से पीछे नहीं हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते लिखा कि जेल से भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो वो लड़ेंगे। नवाज शरीफ ने बोलना शुरू कर दिया, अब वो भी बोलेंगे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज अपने एक बयान में शेख रशीद ने कहा था कि इलेक्शन का असल मैदान पंजाब में लगेगा और असल फैसला यहीं होगा। अनोखे लाडले से कहता हूं, फैसला आसमान पर होगा। अनोखा लाडला बलोचिस्तान से सिर्फ 3 नशिस्तें निकाल सकेगा। शेख रशीद ने कहा था कि वो 2 नशिस्तों से कलम दवात पर इलेक्शन लड़ेंगे और PDM के खिलाफ हिस्सा लेंगे।